हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। फिर आगे बढ़ेंगे, क्लास सेवेंथ है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 6 है, तो हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम हम लिखेंगे। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना मल्टीप्लाई आता है अब इतना कर लो। कैसे करोगे? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 का 2 से करेंगे 64। तो ये 64 आपका ये आंसर आ गया। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो टुकड़ों में आप कर सकते हैं, टुकड़ों में कर लें फिर आप इसे कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट कर दिया। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट इसका है 9 रेज टू जा पावर 3। 9 की पावर 3 पढ़ो या 9 रेज टू जा पावर 3, ये भी पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन इसका देखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 और 9 का मल्टीप्लाई 81 और ये 9, फिर 9 का कर दो, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो 729 इसका जो है आंसर आ गया आपका। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट का आंसर देखिए कैसे निकालेंगे। थर्ड पार्ट यहां से कर लो, थर्ड पार्ट 11 रेज टू या पावर 2। तो हम इसे, इसका सॉल्यूशन क्या है, जितनी पावर होती है, पावर 2 है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 121 आ जाएगा, 121 ये आ गया, 121 आंसर आ गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, तो फोर्थ पार्ट में आपका है 5 की पावर 4, 5 रेज टू जा पावर 4 भी हम रीड कर सकते हैं इसे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स। तो आप क्या करें, 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25, फिर 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25, 25 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 625 ये इसका आंसर आ गया। अब जैसे कुछ और हम एग्जाम्पल्स इसके देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल जैसे हम एक्स्ट्रा देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर 3 की पावर 4 ले लिया, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स करेंगे हम इसे, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा आपका 81। अब दूसरा, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, हमने यहाँ पर ले लिया 4 की पावर 3 ले लिया, तो हम इसका क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इसका 4 4 जा 16, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 जा 64 ये आपका आंसर आ गया। कुछ ही हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिए जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल फॉर 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इसका सॉल्यूशन, अब इसमें क्या होगा, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि एक ही नंबर है 6, तो ये 6 की पावर 1 2 3 4 है, तो 6 की पावर 4, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसका टी इंटू टी, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, टी इंटू टी का सॉल्यूशन टी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है b इंटू b इंटू b इंटू b, 4 टाइम्स है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, ए, इसको वेरिएबल बोलते हैं, जैसे कोई भी a b c d x y z जो भी अल्फाबेट्स हैं उनको वेरिएबल बोलते हैं, और 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें कॉन्स्टेंट बोलते हैं, तो वेरिएबल b है, और b बेस एक ही है, तो b की पावर 1 2 3 4, तो b की पावर 4, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। अब आप इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे,
तो फोर्थ पार्ट में आपका है 5 × 5 × 7 × 7 × 7, ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं। यहाँ दो नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का 5 से हो रहा है, तो 5 वाले एक साथ आ जाएंगे, तो हम ये 5 की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 की पावर 3 आ जाएगा। अब हम इसका जो है फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में आपका है 2 × 2 a × a, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। 3 बार मल्टीप्लाई होता है ये नंबर, तो 2 की पावर 3 आ जाता। सिमिलरली यहाँ पर a की पावर 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इंटू हटा करके 2 का स्क्वायर 2 × 2 × 8 ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। ये इंटू का साइन माना जाएगा यहाँ डॉट, जब एक वेरिएबल और जब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता है तो बिटवीन में डॉट से भी हम बता देते हैं। जैसे आपका क्या है 7x, तो इसको क्या रीड करेंगे, 7 × x बोलो या 7 × x बोलो, एक ही है। जैसे आपका 5x² है, इसका मतलब क्या है, 5x² से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 × x² रीड करो, या 5 डॉट लिखा हो इन वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, तो हम इसे मल्टीप्लाई का साइन ही समझेंगे और मल्टीप्लाई होता भी है। अब है हमारा यहाँ पर सिक्स्थ पार्ट, ए 3 टाइम्स है, a × a × a, फिर हमारा सी है 4 टाइम्स है, c × c × c × c 4 टाइम्स है, फिर हमारा d है। तो a 3 टाइम्स है, तो इसका पावर, इसकी पावर 3 आ जाएगा। c दूसरा वेरिएबल है, तो उसकी c की पावर 1 2 3 4 4 आ जाएगा। d अकेला है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a 3 c 4 d, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई मानेंगे। अब कुछ हम जैसे अभी एक्स्ट्रा बता सकते हैं, इसलिए आपको कोई परेशानी ना हो, कुछ हम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स इसी में साथ में ऐड कर रहे हैं, आप कर सकते हो, उन्हें सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपका 5 × 5 × 5 ए इंटू का साइन है, फिर आ गया x × x × x, फिर आ गया y × y × y, इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 5 एक जैसा नंबर है, तो 5 की पावर 3, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, × x 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी पावर 3, y भी 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, y की पावर 4, इसे 5 की पावर 3 x³ y² भी लिख सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही माना जाएगा। अब जैसे हम एक्स्ट्रा में एक ले लिया, अब हम दूसरा भी कोई लिख सकते हैं यहाँ पर, दूसरे में हम जैसे ले सकते हैं यहाँ पर 2 × 2 × 2 × x × x × x × z × z, तो 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आ जाएगा 2 की पावर 3 x 1 2 3, 3 टाइम्स आ रहा है तो x की पावर 3, z 2 टाइम्स आ रहा है तो z × z a z की पावर 2। तो इस तरीके से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखी। जैसे आप है ना 3 × 3 × 3 और 6 × 6 × 6, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो आपका आ जाएगा 3 की पावर 3 × 6 की पावर 3, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरीके से हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1st और 2nd सारे पार्ट्स किए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने आपको इसमें करके दिखाए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, प्रैक्टिस करें, एक्सपोनेंट्स जो लॉ हैं उनको जरूर आप याद करें। तो इसमें जैसे एक्सपोनेंट्स लॉ हैं, वैसे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिए हैं, फिर भी हम आपको
एक दो प्रॉपर्टी सम लॉस यहाँ लिखे देते हैं आपके समझने के लिए। इसमें जो लॉस है एक्सपोनेंट्स लॉस, एक्सपोनेंट्स लॉस हैं, वो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हैं, फिर भी हम यहाँ समझा रहे हैं। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, आगे चल के यूज होंगे। और अगर ए की पावर m, ए की पावर n बेस इक्वल है डिवाइड हो रहा है तो नीचे की पावर ऊपर जा करके माइनस हो जाएगी। बस यहाँ पर m बड़ा होगा n से, m और n इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब तीसरा जो इसका लॉ है वो आपका पावर के ऊपर पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की पावर m इंटू n हो जाएगा। फोर्थ लॉ है आपका, अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो 1 लगा करके उसे नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। फिफ्थ लॉ है आपका किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसी तरीके से और भी लॉस हैं, जैसे सिक्स्थ लॉ हो जाएगा, ए बी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ पर ए की पावर n, बी की पावर n अलग लगा सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर डिवीजन में लगा सकते हो, a अपॉन b की पावर n है तो a की पावर n, b की पावर n ए लिख सकते हो। ये आपके जो लॉस हैं वो यूज होंगे। और एक लॉ और यहाँ पर लिख लीजिए, इसमें क्या होता है, अगर रैशनल नंबर है a अपॉन b, उसकी पावर नेगेटिव है तो a b ऊपर पहुँच जाएगा, a नीचे तो a पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये एक्सपोनेंट्स के लॉस हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बनाए हैं, इसमें भी हमने आपको बनाकर दे दिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।